हेलो हेलो, हाँ शीला आ गए। हाँ काम हुआ? अब थोड़ा बहुत। लंच किया या अभी भी खाली पेट? नहीं खा रहा हूँ। कहाँ? रेस्टोरेंट में? नहीं गरम गरम पूरियाँ खा रहा हूँ। अरे आपको पूरियाँ पसंद है तो पहले क्यों नहीं बताए? कितनी बार पूछा मैंने, नाश्ते में बना देती। बताने की जरूरत है? अच्छा बाबा लेट मत करिएगा, पानी भर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके ओके थैंक्स। ओके बाय बाय। बाय। तुम्हारी नई सेक्रेटरी नहीं आएगी? जब इसकी शादी हो जाएगी उसके साथ भी ऐसे ही फ्लर्ट करोगे? अगर वो करेगी तो क्यों नहीं। ये रेनकोट तुम्हारे सेक्रेटरी का ही है? क्यों? जरा पूछना उससे कौन सा परफ्यूम लगाती है। अच्छा वो ना रेनकोट ले आया, कितना काम आ गया? वो क्या है ना, वो छाते वाते वो ही संभाल कर रखते हैं। मैं उधर खोजती रहती और इधर तुम्हारे पेट में चूही दौड़ती रहती है। चलो तुम्हारी सेक्रेटरी का रेनकोट इसे ही। बस और नहीं खा सकता, तुम खत्म कर लो। मिठाई मैं जानबूझ के नहीं लाई, तब तो तुम्हें पसंद नहीं थी। खाते हो क्या? मिठाई तो मुझे लानी चाहिए थी, पहली बार तुम्हारे घर जो आया। तुम्हारा सीरियल जिस दिन नेशनल चैनल पर आएगा तब लाना, उस दिन मैं खाना बनाऊंगी, साथ खाएंगे और तुम्हारा सीरियल भी देखेंगे। और तुम्हारे पति? उनका भी कोई ठिकाना है, होंगे कहीं टूर पे। और अगर मेरी सेक्रेटरी मेरे साथ देखना चाहे तो? कहना नहीं, किसी ने पहले से ही बोल रखा है। कौन? गर्लफ्रेंड? प्लीज मनु, घर जाके माँ को मत बताना कि तुम यहाँ आए थे। मना करोगे तो नहीं बताऊंगा, पर लोग तो पूछेंगे। क्या फायदा, बेकार की बातें बनाएंगे। और वैसे भी तुम्हारी शादी तो पास ही है, हो सके तो एक बार भागलपुर जरूर आना। शाम ढले सखियां सब लौट